Now there is a new trend under the course of Trends and Issues in Early Childhood Education that we now emphasize the leadership qualities in our early child. So leadership in the early childhood years, how it is. <laughs> तो बात यह है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को बचपन से ही पैदा करना है और हमारी यही गलती है कि हम बचपन से लीडरशिप को पैदा नहीं करते और एडर्ट्स में और बाले हजरात में लीडरशिप की क्वालिटीज़ को तलाश करते हैं सो लीडरशिप इज़ करेक्टराइज बाय बिहेवियर्स दैट प्रिजर्व द फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप सोशल प्रोसेस और बाई एक्शंस दैट कॉज चेंजेस दैट इधर इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशंसी और एडवांस द लेवल ऑफ थिंकिंग इन द ग्रुप तो लीडरशिप कहते किसको हैं लीडरशिप एक सोशल प्रोसेस है एक टीम बिल्डिंग है फिर इस टीम को चलाना कैसे है उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है और कैसे लोगों को साथ लेके चलना है और एक एक मजमुई जिसको हम कहते हैं कलेबोरेटिव थिंकिंग जो है वो हमने कैसे डिवेलप करनी है इसको ये लीडरशिप की डेफिनीशन है सो इट मे बी डिफिकल्ट फॉर सम टू थिंक ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन एज बींगीडर्स बट्यू ऑफ टिपिकल लीडरशिप बिहेवियर ऑब्जर्व इन अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम इलिस्ट्रेट्स हाउ लीडरशिप इज इनएक्टेड जैसे मैंने अभ्यर्स किया ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि छोटे बच्चे कैसे लीडरशिप लीडर हो सकते हैं तो भाई बात यह है कि शुरू में आपने देखा होगा बच्चे ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं फिर उनमें से कोई ये कहता है आओ फला खेल खेले आओ अब हम रेलगाड़ी बनते हैं आओ अब हम झूला झूलते हैं तो कोई है जो उनको लीड कर रहा है फिर किसी को दर्द होता है कोई गिर पड़ता है तो उन सब में से कोई एक लौट के आता है उसका हाथ पकड़ता है उसको उठाता है ये लीडरशिप है फिर एक बच्चा दूसरों से कम्युनिकेट कर रहा है उनसे बात कर रहा है उनकी समझ रहा है ये लीडरशिप है फिर ये कि वो उनका कोई बाहमी प्रॉब्लम है जब वो खेल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उनको हर वक्त नया करना होता है उस नया करने में कौन नए नए सोल्यूशन झूठे अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं हम इस चीज़ को गाड़ी बना लेते हैं इसको हम घर बना लेते हैं हमारी गुड़िया ये करेगी हमारा गुड्डा ये करेगा हमारा प्लेन किस तरह से जाएगा कौन सी गाड़ी किस से टक्कर करेगी दीज आर द डिसन मेकिंग प्रोसेस एंड समटाइम्स ये होता है कि अच्छा खेल के लिए कुछ नहीं चलो मैं फलां चीज लाता हूँ तुम फलां चीज लेके आओ हम एक फलां चीज़ बनाए आप सब चीज़ें ला के बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम कहते हैं रिसोर्स बिल्डिंग तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये लीडरशिप के और ये खुद से नहीं आएंगे कुछ चीज़ें जेनेटिकली हमारे अंदर होती हैं कुछ चीज़ें उस एनवायरनमेंट में बनती हैं जिसमें कोई लीड कर रहा होता है बड़ा वेजवासकी की थैरी को इस सिलसिले में हम सामने रखेंगे जो ये कहता है कि आप खुद भी एक हद तक कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं लेकिन जब कोई मेचोर वन कोई आपका बड़ा कोई ज़्यादा तलीम याफ़्ता या ज़्यादा स्किल्ड पर्सन आपको कुछ करने में मदद देता है तो आप अपने लेवल से आगे आ जाते हैं तो बात असल में ये है कि लीडरशिप की आइडेंटिफिकेशन कि कौन लीडर है और कौन अच्छा लीडर बन सकता है और फिर लीडरशिप की एजुकेशन कि किस किस पहलू को बेहतर करने से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं ये सारे काम हमने ईसीडी डी में करने हैं ईसीईसी में करने हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर में करने हैं और यहीं से इब्तदा होती है उन लीडरशिप क्वालिटीज़ की जिनका आगे चल के हम थोड़ा तफसील से जिक्र करेंगे लेकिन याद रखिए कि कोई क्वालिटी ऐसी नहीं है अच्छी या बुरी जो छोटे बच्चे में पैदा नहीं की गई और बाद में एडल्ट एजुकेशन में जाके आप उसको तलाश करने की कोशिश करें या उसको बिल्ड करने की कोशिश करें जितनी मर्जी एफर्ट कर ले आप वो नहीं कर सकते सो so, अभी फ्रॉम द बर्थ टू वी नीड टू पुट आवर एफर्ट एंड एम्फेसाइज Making our students a good leader.